आपकी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसकी भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ ठीक हो ना हो, पर सब ठीक है ये कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितना ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतना ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। गरीबी होने से कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं है। तीसरा डर है आलोचना का डर, कि मुझे लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम नहीं करते हैं। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर, कि मैं तो बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का, मेरी तो उम्र हो गई है अब मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर, कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर ना हो वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर करना नहीं। छोटी सोच वाले इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को, लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है जिंदगी में। कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए,
क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छों को भी बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों में गिने जाते हैं और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तो पता चलता है ये दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो। गलत फहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीब और बहुत ही ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबक मिला है, रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीदें किसी से भी नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रख कर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है हम खुद खुद को नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है, बिछड़ कर देखो। जरा एक बार अपनी मोहब्बत से भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते, निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पानी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं है बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है यह हम कभी जान ही नहीं पाते। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर भुला देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे याद क्यों करूं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है, मिल जाए तो नजर नहीं आती, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटों लोगों के मुंह कभी मत लगना।
रिश्ते दूर तक चलेंगे अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए तो। जल्दीबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है। ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबके हिम्मत खत्म हो जाती है वहां पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन छलके किसी की आंखों में ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है। इंसान में क्या है उसका ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभाल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी अकल धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है अब वह असफलता की ओर, नीचे की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और नर्मता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखे, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं ना ही कभी उन्हें कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन को संग्रह करके रखना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, वह बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी।
कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी की वजह से उसका फसल खराब हो जाता। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ मैं मौसम वैसा कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ, तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दो, मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेत में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसे, आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियां पड़ गया तो उसने अपना सिर पीट लिया। वह रोने चिल्लाने लगा, गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहां दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने का मौका दिया, ना ही तेज बारिश सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटे। तूने उन कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारे जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।